गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 8 की पहली क्लास में हमारा पहला लेसन यानी फर्स्ट लेसन है मातृभूमि नामक कविता, जिसमें सोहन लाल द्विवेदी जी ने अपने देश के सुंदर प्राकृतिक छटा और स्वर्णिम अतीत का गुणगान करते हुए हमें प्रेरित किया है कि हम कैसे अपने देश के समृद्धशाली अतीत पर, समृद्धशाली प्राकृतिक संपदा पर गौरव कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। कविता का नाम ही है मातृभूमि। मातृभूमि का शाब्दिक अर्थ है माता के समान भूमि, अर्थात वह भूमि जिस पर हमने जन्म लिया और जो माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। इसीलिए हमारी जन्मभूमि को हम मातृभूमि कहते हैं, अपने देश को हम मातृभूमि कहते हैं। अथर्ववेद में लिखा गया है, धरती माता पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह धरती पालन पोषण करने के कारण हमारी माता है, ऐसी विचारधारा आरंभिक काल से हमारे समाज में चली आ रही है। कविता के आरंभ में हमने आपको बताया कि कैसे कवि प्राकृतिक संपदा का वर्णन करते हुए कहता है कि हमारे पास एक तरफ ऊंचा हिमालय खड़ा है जो देश में सतत प्रहरी की भांति सजग होकर हमारी रक्षा कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे मातृभूमि की सेवा में सिंधु अर्थात सागर उसके पांव पखार रहा है। हमारे देश में गंगा, जमुना, त्रिवेणी जैसी नदियां हैं जहाँ के पुण्य स्थल पर जाकर लोग न केवल धर्मानुसार कार्य करते हैं बल्कि उसके सघन जलराशि से आसपास का सारा वातावरण हरियाली से भर जाता है, अन्न धन से देश भर जाता है, जिसके कारण हम अपनी धरती को स्वर्ण भूमि और धर्म भूमि और पुण्य भूमि इत्यादि नामों से अभिहित करते हैं। कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या करते हुए हम देखेंगे कि हमारे देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए कवि क्या क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, वह धर्म भूमि में, वह कर्म भूमि में, वह जन्म भूमि में, वह मातृभूमि में। जन्मे जहां थे रघुपत, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वर्षी पुण्य गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि। वही भूमि मेरी मातृभूमि है, वही भूमि मेरी जन्म भूमि है, जिस पर रघुपति ने जन्म लिया। वह धर्म भूमि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस धरती पर केवल एक धर्म नहीं, विभिन्न धर्मों से संबंधित लोग रहते हैं, विभिन्न धार्मिक विचारधाराएं रहती हैं और सभी लोग अपने अपने धर्मानुसार आचरण करते हुए अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर बहुत से धार्मिक महापुरुषों का जन्म हुआ है जिसके कारण यह धरती धर्मभूमि कही जाती है, पुण्य भूमि कही जाती है। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यही मेरी धर्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है, क्योंकि इसी पर अपने धर्मानुसार आचरण करते हुए हम सभी अपने अपने कर्मों को करते हैं और इस पर जन्म लेने के कारण यह मेरी जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि पर रघुपति जैसे महापुरुष ने जन्म लिया था। रघुपति श्री राम को कहते हैं, दशरथ पुत्र श्री राम को, जिन्होंने अपने आचरण से मर्यादा पुरुषोत्तम उपनाम पाया था। मर्यादा चरित्र का ऐसा उल्लेख सारे संसार में जल्दी नहीं मिलता। जिन्होंने आजीवन मर्यादाओं का पालन किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा और उनका साथ निभाने वाली उनकी धर्मपत्नी सीता का उल्लेख किया गया है, जो सदैव अपने पति के साथ रही और उनकी आज्ञा अनुसार ही आचरण किया। इस देश में श्री राम और सीता को आदर्श माना गया है और उन्हें पुरुषोत्तम का स्थान दिया गया है, अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम। तो जिस धरती पर ऐसे पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया, ऐसे शीतवान
सीता ने जन्म लिया और इसी धरती पर कर्म का संदेश देने वाले यानी कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तरदायित्व का पालन करो, ऐसी शिक्षा देते हुए जन्म लिया श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने एक ओर बंसी की धुन से सबके मन को मोहा तो दूसरी ओर गीता का कर्मवाद का संदेश देकर पूरे विश्व को कर्म करने की प्रेरणा दी। कर्म वही निष्काम कर्म अर्थात बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म तो मनुष्य का धर्म है कि वह निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से आजीवन कर्म करता रहे। इसीलिए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। कवि कहता है कि इसी धरती पर केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म नहीं लिया, सीता ने नहीं लिया, बल्कि कर्मयोगी श्री कृष्ण रूपी व्यक्ति ने जन्म लिया, महात्मा ने जन्म लिया, जिन्होंने इस पूरे विश्व को कर्म का संदेश दिया कि कैसे निष्काम कर्म करते हुए हम अपने जीवन में अपने आचरण को पवित्र रखें और निष्काम भाव से कर्म करते हुए इस संसार में रहें और संसार का कल्याण करने का प्रयास करें। एक ओर उनकी वंशी की धुन से सम्मोहित हो जाते थे तो दूसरी ओर गीता के संदेश से अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए इस धरती को कर्मभूमि भी कहा गया क्योंकि इन संदेशों के द्वारा अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा हमें इसी धरती पर मिलती है। कवि कहते हैं, गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाई। और इस धरती पर गौतम अर्थात महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, एक ऐसे संत ने जन्म लिया जिसने संपूर्ण संसार को दया का पाठ पढ़ाया। दया यानी मानव होने के नाते सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं संपूर्ण प्राणी मात्र पर दया करने की प्रेरणा उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि प्राणियों पर दया करो, जीवों पर दया करो, अर्थात किसी की हिंसा मत करो, किसी के प्रति हिंसा भाव मत रखो। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की भी प्रेरणा दी और इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा के प्रकाश से विभूषित किया। इसीलिए कवि कहता है, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, अर्थात उन्होंने न केवल दया की भावना सिखाई कि सब पर दया करो, बल्कि सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए जीवन में अहिंसा पालन करने की प्रेरणा भी दी और उनकी इन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हुआ। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण संसार में अहिंसा का प्रकाश फैलाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। इसी पर हम अपने जीवन के संघर्षों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहते हैं। इसीलिए इस जीवन संघर्ष करने के कारण कवि ने इस धरती को क्या कहा, युद्ध भूमि, जिसमें हम अपने जीवन रूपी संग्राम में युद्ध में सफल होने का प्रयास करते हैं, उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, आजीवन संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए यह हमारी कर्म भूमि है, यह हमारी युद्ध भूमि है, यही हमारी बुद्ध भूमि है। बुद्ध भूमि यानी जिस पर बुद्ध ने जन्म लिया और साथ ही साथ बुद्ध का अर्थ है बौद्धिक होना अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ना। तो अपने ज्ञान से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी हमें इसी धरती पर अपने देश के महापुरुष संत मनीषियों के ज्ञान से, उनके संदेशों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो इसी कारण कवि इस धरती को बुद्ध भूमि कह रहा है। तो वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, यही हमारी मातृभूमि है, यही हमारी जन्म भूमि है, जिस पर राम सीता कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, विभिन्न प्रकार से अपने मर्यादित आचरण के द्वारा, अपने अहिंसा के संदेश के द्वारा, कर्म के संदेश के द्वारा, जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, उन्नतिशील बनाने का और साथ ही साथ धर्मानुसार एक श्रेष्ठ आचरण करने का प्रयास करने की प्रेरणा पाते हैं। अपने मातृभूमि के इस गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए कवि भाव विभोर हो जाते हैं और वे कहते हैं कि
ये सभी विशेषताएं सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की धरती पर हमारी मातृभूमि पर है, इसीलिए यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है जो मुझे सबसे प्रिय है। आशा है पाठ का वर्णन आपकी समझ में आया होगा। कहीं से कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करें और अगले पाठ की प्रतीक्षा करें।